कंसंट्रेशन ऑफ ओर में जो हमारा सी पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में बेसिकली मैग्नेटिक ओर्स और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को हम मैग्नेटिक सेपरेटर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए सेपरेट करते होते हैं। अब ये सेपरेशन हमारे पास कैसे की जा सकती है और हमारे पास मैग्नेटिक ओर्स का क्या मतलब होता है, ऐसा ओर जो कि मैग्नेट के साथ अट्रैक्टेड हो सकता है उसको हम मैग्नेटिक ओर का नाम देते हैं, और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो हमारे पास मैग्नेट के साथ चूँकि अट्रैक्ट नहीं होती इसलिए इसको हम नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ का नाम देते हैं। इस प्रोसेस में जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि हम बेसिक यूज़ करेंगे वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं या फिर हम इसके लिए मैग्नेटिक सेपरेटर्स का यूज़ करते होते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली किया क्या जाता है, पहला स्टेप हमारे पास वही कॉमन है, सबसे पहले आपने जो ओर लेना है और उसको बिल्कुल क्रश करना है पाउडर फॉर्म में, क्लियर। सो इसमें हमारे पास ये एक सपोज़ करें आपके पास ये एक टैंकर है, क्लियर, कंटेनर है आपके पास, इसमें आपके पास क्रश ओर मौजूद है। अब यहाँ से इस क्रश ओर को दो रोलर हमारे पास होते हैं इस किस्म के और इसके ऊपर एक हमारे पास लेदर बेल्ट लगी होती है, क्लियर। ये हमारे पास दो रोलर है जिसमें से एक मैग्नेटिक है और एक हमारे पास नॉन मैग्नेटिक है। अब यहाँ से जब हमारे पास ये क्रश फॉर्म में ओर इसके ऊपर डाला जाता है तो जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ होती हैं और मैग्नेटिक ओर होता है, तो मैग्नेटिक ओर जो हमारे पास होता है वो किसके साथ, मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, उसके साथ हमारे पास अटैच हो जाता है, जबकि नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ जो हमारे पास होती हैं वो यहाँ पर नीचे मज़ीद दो कंटेनर लगाए होते हैं इस तरह के, ये यहाँ पे हमारे पास जो नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो सबसे पहले इस कंटेनर में गिरती हैं, जबकि हमारे पास जो मैग्नेटिक ओर होते हैं वो थोड़ा दूर जाके हमारे पास इस कंटेनर में गिरता रहता है। सो इस तरीके से हम क्या काम करते हैं, मैग्नेटिक ओर और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में सेपरेट करते रहते हैं। मेटलर्जी में पहला स्टेप हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारा जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। इस स्टेप में जो हमने काम करना है, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और मेटल की एक्सट्रैक्शन हमारे पास कैसे की जाती है, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर बना हुआ है, कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास कैसे बना हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के स्टेप में हमारे पास इंप्योरिटीज़ को हमने रिमूव कर लिया, जो प्योरीफाइड ओर है उसको हम कंसंट्रेटेड ओर का नाम दे रहे हैं। अब कंसंट्रेटेड ओर जो हमारे पास उसकी हम केमिकल रिडक्शन करेंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में से गुजारेंगे तो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, मेटल की एक्सट्रैक्शन हो जाएगी। सो केमिकल हमारे पास जो रिडक्शन होती है कंसंट्रेटेड ओर की, वो हमारे पास यहाँ पर तीन मेथड्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रोस्टिंग है, उसके बाद स्मेल्टिंग है और सी पे हमारे पास बेस्मराइज है। सो हम ए को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रोस्टिंग का काम है। अब रोस्टिंग में हमारे पास क्या काम किया जाता है, कंसंट्रेटेड ओर जो है उसको हमने हाई टेम्परेचर पे हीट अप करना है और एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हम उसको हीट अप करेंगे। सपोज करें हमारे पास जो है कंसंट्रेटेड ओर हमने लिया हुआ है कॉपर पायराइड, हमारे पास है 2CuFe, हमारे पास S2, ये हमारे पास है कंसंट्रेटेड ओर है, उसके अगर हम हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर तो हमारे पास क्या काम होता जाएगा, ये हमारे पास जो है कॉपर पायराइड ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में, साथ हमारे पास फेरस सल्फाइड के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा 2Fe, और इसके साथ तीसरे नंबर पे हमारे पास जो इम्प्योरिटी है सल्फ़र वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होके वोलेटाइल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास बन जाएगा जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, क्लियर। सो ये हमारे पास रोस्टिंग का काम है। अगेन आई एम टेलिंग यू, रोस्टिंग में जो है कंसंट्रेटेड ओर को हाई टेम्परेचर पर एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में इसको हीटअप करते हैं। इसको जब आपने हीटअप किया तो हमारे पास जो कॉपर पायराइड है ये ऑक्सीडाइज हो गए, हमारे पास क्या काम हो गया, इसमें क्यूप्रस सल्फाइड बन गया, साथ हमारे पास इसमें फेरस सल्फाइड ये मिक्सचर बन गया हमारे पास, और जो वोलेटाइल ऑक्साइड्स हैं ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए, क्लियर। इसके बाद हमारे पास जो बी स्टेप है स्मेल्टिंग, यहाँ पर मैं स्मेल्टिंग लिख देता हूँ। साथ स्मेल्टिंग में क्या काम किया जाता है, स्मेल्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, रोस्टिंग में हमारे पास जो है कॉपर पायराइड या कंसंट्रेटेड ओर जो हमारे पास है उसको हमने हीट अप किया तो किस चीज़ में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड फेरस सल्फाइड ये हमारे पास इस मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारे पास मिक्सचर है ये क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड ये हमारे पास है कंसंट्रेटेड ओर का, ये हमारे पास इससे मिक्सचर बना हुआ है,
क्लियर। और इस मिक्सर को हम रोस्टेड ओर का नाम दे देते हैं। अब स्मेल्टिंग में क्या काम किया जाता है, स्मेल्टिंग में इसी रोस्टेड ओर को मतलब के क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड के मिक्सर को अगेन मजीद हीटअप किया जाता है सैंड फ्लक्स और एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में साथ को की प्रेजेंस में इस मिक्सर को मजीद हीटअप किया जाता है। अब स्मेल्टिंग में जब आप इस रोस्टेड ओर को मजीद हीटअप करेंगे तो उसमें क्या काम हो जाएगा, ये चूंकि हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सर है, एक क्यूप्रस सल्फाइड है दूसरा हमारे पास फेरस सल्फाइड है, तो उसमें सबसे पहले हम फेरस सल्फाइड को ले लेते हैं। स्मेल्टिंग में हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा है तो हमारे पास इसमें जो फेरस सल्फाइड है इसमें हमारे पास फेरस सल्फाइड जो है 2FeS2 मैंने इसलिए लिखा है, बैलेंस इक्वेशन हम लिख रहे हैं। जब हमारे पास इसको मज़ीद हम हीटअप करेंगे हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में तो ये हमारे पास फेरस सल्फाइड जो है ये ऑक्सीडाइज होके क्या चीज़ बनाएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बनाएगा फेरस ऑक्साइड बनाएगा 2FeO हमारे पास, और साथ जो है हमारे पास वोलेटाइल ऑक्साइड्स भी बनेंगे, क्लियर, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फेरस ऑक्साइड है ये सेंड फ्लक्स की प्रेजेंस में इसको हम हीटअप करेंगे तो जैसे हमारे पास ये फेरस ऑक्साइड बनेगा ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा और हमारे पास क्या चीज़ बनाएगा, आयरन सिलिकेट बना लेगा, और आयरन सिलिकेट चूंकि हमारे पास एक इम्प्योरिटी है और बींग लाइटर होता है इसलिए हमारे पास ये सर्फेस पर आ जाएगा और सर्फेस से हम इसको ईजिली स्कीम कर लेंगे इम्प्योरिटी की फॉर्म में, क्लियर। सो फेरस ऑक्साइड जो है ये हमारे पास रिएक्शन करेगा किसके साथ, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, इससे हमारे पास क्या बनेगा, आयरन सिलिकेट बनेगा Fe SiO3 हमारे पास, ये हमारे पास इम्प्योरिटी है, लाइटर होता है, सरफेस पे आ जाएगा, इसको हम इजीली स्कीम कर लेंगे। इस रिएक्शन में एक बात का ख़ास ध्यान रखें कि हमारे पास इस मिक्सचर में जितना फेरस सल्फाइड मौजूद है सारे का सारा यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं होता, जितना होना होता है वो हो जाता है, अभी स्टिल इसमें फेरस सल्फाइड हमारे पास मौजूद है, क्लियर। क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ये फेरस सल्फाइड जो हमारे पास है ये बाद में हमारे पास मजीद रिएक्शन करेगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर यहाँ पे तो फेरस सल्फाइड जो है वो तो सारे का सारा ऑक्सीडाइज हो चुका हुआ है तो फेरस सल्फाइड अब यहाँ पे दोबारा कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जो फेरस सल्फाइड है सारे का सारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, जितना होना होता है वो हो जाता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, हमारे पास यहाँ पे फेरस सल्फाइड अभी भी रहता है, सारे का सारा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ हुआ, क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास इसकी बात हो गई है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो क्यूप्रस सल्फाइड है ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, तो देखते हैं हमारे पास इससे क्या चीज़ बनता है। इससे हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, हम इसका बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा है क्यूप्रस सल्फाइड 2Cu2S हमारे पास, और ये भी हमारे पास एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में अगर हम इसको हीटअप करेंगे तो हमारे पास इससे क्या चीज़ बनेगा, इससे हमारे पास बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड हमारे पास बनेगा, और क्यूप्रस ऑक्साइड हमारे पास होता है बैलेंस करते हैं अगर हम तो 2Cu2O हमारे पास, और इससे भी हमारे पास वोलेटाइल ऑक्साइड जो होंगे वो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे ये एरो का मतलब ये कि ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। अब ये सारे का सारा जो रिएक्शन हो रहा है याद रखें ये सारे का सारा हमारे पास इसी कंटेनर इसी फर्नेस के अंदर हो रहा है और हम इसको हीटअप कर रहे हैं, हीटअप के रिजल्ट में ये सारे रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, क्लियर। अब ये जो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया ये क्यूप्रस ऑक्साइड क्या काम करेगा, यहाँ पे जो फेरस सल्फाइड जितना ऑक्सीडाइज हो गया वो तो हो गया, जो रिमेनिंग फेरस सल्फाइड है वो इस क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। इस क्यूप्रस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड की रिएक्शन से हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, इससे अगेन हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड बन जाएगा और साथ हमारे पास जो है फेरस ऑक्साइड मजीद हमारे पास बन जाएगा। सो देखते हैं हमारे पास इसका जो है Cu2O और साथ हमारे पास जो है फेरस सल्फाइड हमारे पास मजीद रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएगा, इससे हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड मजीद बन जाएगा और साथ हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, इससे हमारे पास फेरस ऑक्साइड भी बन जाएगा। ये हमारे पास रोस्टिंग और स्मेल्टिंग का काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास जो है एक और भी बात याद रखें, हमारे पास जो है क्यूप्रस सल्फाइड
और फेरस सल्फाइड का जो मोल्टन मिक्सचर होगा उसको हम नाम देते हैं मैट का नाम देते होते हैं, क्लियर, MATTE का हम नाम देते होते हैं। अब ये क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का जो हमारे पास मिक्सचर है ये कब बनता है, ये हमारे पास इस स्टेज पे बन जाता है। यहाँ पे मैं आपको ये लाइन बता के देता हूँ मैं आपको, मिक्सचर हमारे पास जो है फेरस सल्फाइड और क्यूप्रस सल्फाइड जो है इसी का मिक्सचर, और ये मिक्सचर जो हमारे पास बनता है ये तकरीबन हमारे पास बन जाता है, वैसे तो हमारे पास ये रोस्टिंग के बाद भी बन जाता है, इसी को हम मोल्टन मैट का नाम देते हैं। ये हमारे पास मोल्टन की फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोल्टन स्टेट हमारे पास क्या होती है, क्लियर। सो ये जो हमारे पास मोल्टन हमारे पास मैट है इसको हम मज़ीद देखेंगे बेस्मराइजेशन में इसके साथ क्या काम किया जाता है। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड है और फेरस सल्फाइड है इसके मोल्टन मिक्सचर को नाम देते हैं मैट, शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आता होता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है बेस्मराइजेशन। बेस्मराइजेशन में क्या काम किया जाता है, बेस्मराइजेशन में बेसिकली हम जो मोल्टन मेट हमारे पास बना हुआ है उस मोल्टन मेट को हम मज़ीद हीट अप करेंगे। किस में हम हीट अप करेंगे, पेयर शेप हमारे पास एक बेस्मर कन्वर्टर होता है उसके अंदर हमने इसको हीट करना है, मतलब जो इक्विपमेंट हमारे पास यूज़ हो रहा है वो पेयर शेप है हमारे पास और उसका नाम जो है बेस्मर कन्वर्टर है। और चूँकि ये बेस्मर कन्वर्टर एक पाइवट के ऊपर फिक्स होता है इसलिए इसको आप किसी भी डायरेक्शन में टिल्ट कर सकते हैं, क्लियर हो गया। सो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया मोल्टन मेट, तो मोल्टन मेट हमारे पास क्या चीज़ होती है उसको हम देखते हैं एंड पे, बल्कि स्टार्ट से मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे पास जो हमने यूज़ किया था ओर की जब हमने ऑक्सीडेशन की थी, और ये ऑक्सीडेशन हमारे पास कैसे हुई थी, स्ट्रांगली इसको हमने हीट किया था प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर में, तो इससे हमारे पास क्या चीज़ बना था, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस हमारे पास फेरस सल्फाइड का हमारे पास मिक्सचर बना हुआ था। सो क्यूप्रस सल्फाइड फेरस सल्फाइड इस मिक्सचर को हमने कहा था ये हमारे पास रोस्टेड ओर है। फिर उसके बाद स्मेल्टिंग के अंदर हमने ये बात की थी कि इसको हम मज़ीद हीट अप करेंगे इस रोस्टेड ओर को, तो मज़ीद हीट अप हम कैसे करते हैं, कोक सैंड फ्लक्स और एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, तो उससे क्या काम हो जाएगा, फेरस सल्फाइड हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास ये सारे का सारा फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज नहीं होता, थोड़ा बहुत हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है, बाकी फेरस सल्फाइड हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग रह जाता है, क्लियर हो गया। यहाँ तक मैंने आपको ये बात बताई थी, फिर ये सारे रिएक्शन हमने किए, उसके बाद हमारे पास जो होता है, मैंने एंड पे आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जो है दूसरा जो क्यूप्रस सल्फाइड है वो हमारे पास क्या काम हो जाएगा, उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमारे पास क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, साथ हमारे पास फेरस ऑक्साइड बनाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये हमारे पास रिमेनिंग फेरस सल्फाइड के साथ यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कर जाता है, हमारे पास क्या चीज़ बना लेता है, क्यूप्रस सल्फाइड बना लेता है, क्लियर। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये जो फेरस सल्फाइड है थोड़ा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, अभी भी रिमेनिंग क्वांटिटी में है, फिर क्यूप्रस ऑक्साइड जो हमारे पास है इस रिमेनिंग फेरस सल्फाइड के साथ इसने रिएक्शन करके क्यूप्रस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड बनाया, अभी भी फेरस सल्फाइड ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन भी हो गई है, इसने यहाँ रिएक्शन भी किया है, अभी भी हमारे पास जो है फेरस सल्फाइड अभी भी हमारे पास रिमेनिंग क्वांटिटी में है। सो यहाँ से हमारे पास फेरस सल्फाइड रिमेनिंग क्वांटिटी में है और ये हमारे पास क्यूप्रस सल्फाइड बन गया। सो ये जो दोनों होते हैं क्यूप्रस सल्फाइड, यहाँ पे मैं साथ लिख देता हूँ फेरस सल्फाइड, ये दोनों हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होते हैं और इस मोल्टन को हम क्या नाम देते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड प्लस फेरस सल्फाइड की मोल्टन फॉर्म को हम नाम देते हैं मैट का नाम देते होते हैं, क्लियर। सो बेस्मराइजेशन में बेसिकली इस मोल्टन मैट को मज़ीद हीट अप किया जाएगा, और हीट अप कैसे किया जाएगा, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर उसकी प्रेजेंस में और साथ हमारे पास सैंड फ्लक्स की प्रेजेंस में इसको हम हीट अप करेंगे, तो देखते हैं हमारे पास ये क्या काम होता है, क्लियर। ये हमारे पास बिल्कुल जो एंड था हमारे पास मेल्टिंग का, ये हमारे पास बिल्कुल एंड आया हुआ था क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, ये दोनों हमारे पास अभी बचे हुए मोल्टन फॉर्म में जिसको हमने मैट का नाम दिया हुआ है। अभी इस मैट को हम मजीद हीट अप करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या काम बनता है, क्लियर जी। तो अगर आपने ध्यान रखा हो तो हमारे पास जो है क्यूप्रस सल्फाइड साथ हमारे पास फेरस सल्फाइड, इन दोनों का मोल्टन मिक्सचर हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास मैट है। अब इस मैट को हमने स्ट्रांगली हीट अप करना है सैंड फ्लक्स की प्रेजेंस में, और
एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, लेकिन एक्सेस ऑफ एयर हमारे पास कैसे होगी, वो हमारे पास हॉट ब्लास्ट की फॉर्म में हम इसमें इंजर्ट करेंगे। ये जो हमारे पास बेसमर कन्वर्टर है और ट्वेयर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्वेयर हमारे पास जो है जैसे आके आपने सर्विस स्टेशन पे देखा हो, जो हमारे पास वो जो पानी वाला पाइप होता है जिसके ज़रिए वो करते होते हैं हमारे पास गाड़ी साफ़ करते होते हैं, सो उस ऐसी एक नोज़ल होती है, उस नोज़ल के ज़रिए हम क्या काम करते हैं, हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर को हम इंजर्ट करते होते हैं इस बेसमर कन्वर्टर में। सो आपने इसको हीट करना है, और हीट कैसे करेंगे, सैंड फ्लक्स, और इसके बाद हमारे पास हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर हमारे पास इसके अंदर आएगी, तो क्या काम होगा, अगेन हमारे पास फेरस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये जो हमारे पास फेरस सल्फाइड है, जब हमारे पास ये ऑक्सीडाइज होगा, बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, सो हमारे पास 3O2 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास अगेन क्या चीज़ बनाएगा, फेरस ऑक्साइड बनाएगा 2FeO, साथ हमारे पास इससे वोलेटाइल ऑक्साइड्स जो हैं वो भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे। क्लियर। अब हमारे पास ये जो फेरस ऑक्साइड है ये मज़ीद किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन सिलिकेट बनाएगा, और आयरन सिलिकेट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ये चूँकि हमारे पास लाइटर होता है सरफेस पर आ जाएगा, वहाँ से हम इसको ईजिली रिमूव कर लेंगे। क्लियर। सो हमारे पास ये फेरस ऑक्साइड जो है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या चीज़ बनाएगा, आयरन सिलिकेट बनाएगा, FeSiO3 हमारे पास बन जाएगा। क्लियर। ये यहाँ पे हमारे पास जो है फेरस सल्फाइड की बात अब ख़त्म हो गई है। क्लियर। अब ये जो हमारे पास है क्यूप्रस सल्फाइड, अब ये क्यूप्रस सल्फाइड हमारे पास ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सो इसके ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या बनेगा, क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा, साथ हमारे पास वोलेटाइल ऑक्साइड्स भी बनेंगे। ये हमारे पास सेकंड है, ये हमारे पास Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड, जब ये हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा तो इससे हमारे पास क्या चीज़ बनता है, प्लस 3O2 हॉट ब्लास्ट ऑफ एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो जाएगी, सो इससे हमारे पास बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा 2Cu2O, साथ हमारे पास इसके वोलेटाइल ऑक्साइड्स भी बन जाएंगे 2SO2, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो गए। क्लियर। या मैं बार बार कहता हूँ वोलेटाइल ऑक्साइड्स हमारे पास एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएंगे। ये जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है ये बहुत जहरीली किस्म की चीज़ है, ये बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस को, सो आजकल जो है इसके लिए कोई हमारे पास मतलब के प्रिकॉशनरी मेजर्स को इख्तियार किया गया है ताकि हमारे पास ये जो है हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाए, सो इसको आजकल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा जाता। क्लियर। सो अपने बात की तरफ वापस आते हैं, ये जो हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड है, एक पॉइंट फिर से नोट करें, ये जो हमारे पास यहाँ पे क्यूप्रस सल्फाइड है सारे का सारा ऑक्सीडाइज नहीं होता। क्लियर। आप ऐसे समझे कि हमारे पास थोड़ा यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है, बाकी हमारे पास अभी भी क्यूप्रस सल्फाइड यहाँ पे रिमेनिंग में है। सो यहाँ पे जितना क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है वो क्यूप्रस ऑक्साइड बना लेता है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो है रिमेनिंग क्यूप्रस सल्फाइड के साथ रिएक्शन कर जाता है और हमारे पास क्या चीज़ बना लेता है, इससे हमारे पास कॉपर बन जाएगा और साथ हमारे पास मजीद वोलेटाइल ऑक्साइड्स बन जाएंगे। क्लियर। सो ये जो हमारे पास है क्यूप्रस ऑक्साइड 2Cu2O हमारे पास क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हमारे पास रिएक्शन करेगा क्यूप्रस सल्फाइड के साथ Cu2S, इससे हमारे पास कॉपर बनेगा 6 हमारे पास Cu, और साथ हमारे पास इसके वोलेटाइल ऑक्साइड्स बन जाएंगे। सो फाइनली हमारे पास मेटल एक्सट्रैक्ट हो गया हुआ है, और ये जो हमारे पास मेटल होता है ये हमारे पास मोल्टन फॉर्म में होता है, और इसको हमने मज़ीद फिर जो आगे जाके प्रोसेस करना होता है, प्रोसेस के बाद जो हमारे पास होता है इसमें से जो हमारे पास डिसॉल्व गैसेस वगैरह होती हैं वो चूंकि एस्केप आउट कर जाती हैं, और गैसेस की एस्केपिंग की वजह से इस मोल्टन मैट जो होता है मोल्टन जो हमारे पास मेटल है इसके सरफेस पे ऐसे दाने दाने बन जाते हैं, उन दानों की वजह से इस जो हमारे पास कॉपर होता है इसको हम ब्लिस्टर कॉपर का नाम देते होते हैं। क्लियर। ये हमारे पास यहाँ तक हो जाता है, और ये तकरीबन 98% कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है, इसको हमने मज़ीद प्योर बनाना है इलेक्ट्रोलिसिस के ज़रिए।